वीडियो। वो आज इधर कचोरीज बन रही है चाय के लिए। शादी क्या डाला था मैदे में? बस नमक और वो ऑयल या घी बस डाल, बस गूंद लिया, डो बना ली, सब चीज़ गरम। अच्छा, ना ज्यादा सख्त ना नरम, ज्यादा बस। अच्छा, तो क्या फिलिंग क्या करनी है? फिलिंग चिकन की, कीमा या। अच्छा, कोई भी कर सकते हैं, आलू की भी कर सकते हैं, कुछ भी वेजिटेबल आलू कुछ भी कर लेना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बेल रही है तो अब इसकी क्या कटिंग होगी? नहीं अभी इसको करूंगी, देखती जाएंगी आप। अच्छा, क्या फायदा, देखते रहिए। अच्छा, अब ऑयल लगा दिया थोड़ा सा, इस पर फिर मैदा डस्ट होगा। अच्छा अच्छा, इससे वो लेयर्स और क्रिस्पी होता है ना? फोल्ड करेंगे इस साइड पर। अच्छा, इधर से इस, इधर इस पर, इस पर भी ऑयल करेंगे। अच्छा, क्रिस्पी करने के लिए। अच्छा, इसका भी थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, फिर इसको फिर फोल्ड, फिर एक बार इस पर और ऑयल और मैदा आएगा। अच्छा, इतना ज़्यादा बार बार करना है? तभी तो क्रिस्पी होगा इसके लिए। फिर मैदा, वाओ। अच्छा, अब समझ आई। अब इसको ज़रा टाइटली यूं करके ना फोल्ड करना है, रोल करते जाना है, करते जाना है। अच्छा, काम तो है भाई, मेहनत का, खाने में भी तो मज़ा आएगा फिर। क्रिस्पी जिसके लिए बना रही है वो आ ही नहीं रहे, भाजन के लिए चल आए, रख देंगे उनको फ्रीज कर कर। हाँ, अच्छा ऐसे बन गया ये, ठीक। इसकी एक बार कटिंग कर लेंगे दरमियान से इसकी दो। अच्छा, जैसे वो रोटी का वो बनाती है पीड़ा, वैसे बन जाएगा? हाँ, ये दो हो जाएंगे ना एक। अच्छा, दो होंगे, दो कचौरियाँ बनेंगी, ठीक सही। ये हाँ, ये लेके सही, एक एक अलग अलग पार्ट हो रही है, ठीक। अच्छा, इस तरह से कर दिया। हाँ, इसको थोड़ा सा बेलूंगा ना, फिर इसके अंदर फिलिंग करेंगे, ठीक। ये देखो जी, कचौरी फिलिंग हो गई शायद, तेरा चूल्हा जल रहा है शायद। फिलिंग फिलिंग कचौरी, ये इसका मिक्सचर, और यहाँ पे बन रही है ये, बस इनमें फिलिंग करनी है ना। लेयर मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा, ये लेयर। हाँ, ये लेयर नीचे वाली साइड। अच्छा, इसमें क्यों? कटोरी में फिर वो उसको बंद करने में आसानी आसानी। अच्छा अच्छा, ये फिलिंग थोड़ी सी लगानी है, ठीक। अच्छा, ये फिलिंग कर रहे हो चिकन की? हाँ, चिकन थोड़ा थोड़ा पानी लगाना ताकि ये अच्छे तरह से चिपक जाए आपस में। हाँ, बाइंडिंग हो जाए इसकी, बाइंड हो जाए। शुरू करना। हाँ, बंद करते हुए। अच्छा नहीं, इधर कैमरे में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, सही सही समझ आ गई, ठीक। तो फिर वो फ्राई करने में खुलेंगी नहीं? अच्छा, से यहाँ बंद कर देना। चलो जी, कचौरी रेडी, कचौरी वाली। कचौरी खानी है किसी को? बिल्कुल, आ जाएं तो आ जाएं, नहीं तो खुद ही बना के खाएं। हम खाएंगे अभी। शादी की दूसरी डिश तैयार होने लगी है। ये दूसरा मैदा है जी? हाँ, ये दूसरा। अच्छा, तो इसको भी वैसे ही गूंदा हुआ है? सेम प्रोसीजर। अच्छा, और ये बन रही है, और मेरी वीडियो आ चुकी है इससे, वैसे मालपुरा पे। अच्छा, मालपुरा है याद। हाँ, मालपुरा। अच्छा, इसको भी ऐसी करेगी, रोटी बनाएगी? हाँ, तो ये मीठा कैसे हुआ था? इसको वो चाशनी बनाई ना अलग से, इसके चाश में डाल दिया था। अच्छा, फ्राई किया ऑयल में, फिर वो क्या करते थोड़े से ठंडे वजन को डिप कर दिया था उसमें, चाशनी में। चाशनी में, ठीक ठीक ठीक। तो इसका आटा भी सेम होता है या थोड़ा सा सॉफ्ट नरम कुछ? ऑयल घी थोड़ा सा ज्यादा जाता है। अच्छा, तो मेरा से घी से टेस्ट ज्यादा अच्छा होता होगा। घी से ज्यादा आसान हो गई। चलो अभी थोड़ा बहुत, ये मालपुरा के लिए चाश हो रही है जी, रेडी रेडी रेडी। शादी इसमें कुछ डालेगी भी शुगर के साथ? छोटी इलायची और दालचीनी, छोटी इलायची और केवड़ा, केवड़ा यही बोलते हैं, केवड़ा केवड़ा। अच्छा, बबल बन रहे हैं, खिला दो इसको। ले आना एक दो पत्तियां, ज्यादा नहीं डालेंगे।
इसकी ना चाय भी मिलती है, जो हम लोग फिली चाय नहीं कह रहे थे, मैं तो नहीं लेती होती जाफरानी। फातिमा ही संभाल लो, फ्रीजर में रख दो इसको भी। और यहाँ क्या होने लगा, इधर होने लगा जी मालपुरा फ्राई, दूसरा पैन आ गया। मालपुरा ही है वैसे, मालपुरा आ गया इसमें, फ्राई हो रहा है, यहाँ पे बेला जा रहा है इसको। अच्छा ये फ्राई हो गया, फिर इस कौन चाश में डालना है या चाश इस पे डालनी है? इसको चाश में डिप करना है। डिप करना है, अच्छा फिर मीठा हो जाता है। अच्छा फूल रहा है। शादी इसकी क्या तार वार तो नहीं बनानी ना? हाँ तो हो गई इसकी, जरा स्मोक आ रही है कैमरे में, चाशनी खाली ना, ये हो गई रेडी। चलो ये इधर माल पूरा भी तैयार हो गया। हाँ चला गया, दूसरा भी गया, और ये रेडी हो गई है चाश। फैजी आपके हिस्से की मैं खा लूंगी। रेड रेड हो गए, थोड़े और करने हैं। चलें जी ये डिश में आ गए, चाश रेडी, इधर और बन रहे हैं। डिश आ गई शादी। अच्छा तो चाश डाल दी इसके ऊपर? चाशनी में डिप कर दो। ओहो मिस हो गया, अच्छा ठीक है। हाँ तिल वाले भी अच्छे लगेंगे। हाँ किसी पे तिल डाल दो, नहीं अलग से डालना वो वाले, अभी है ना। हाँ लेकिन अच्छे लग रहे हैं तेरे वो क्या, मालपुरा? नहीं नहीं नहीं, तुम क्या कहती हो, चोंगे? मैंने तो मालपुरा भी पता नहीं, मैंने पहले भी यही कहा था क्या होता है मालपुरा, लेकिन अब समझ आ गई कौन सा होता है वो। तो ये भी हमारा पूरा ही माल है। और जी इधर देखें, जबरदस्त किस्म की कचौरी फ्राई हो रही है, वाह ब्राउन हो गया कलर। तो शादी ये जो ऊपर तू वो बना देती है वो कच्ची तो नहीं रहती? वो कच्ची तो नहीं रहती? हल्की आंच पे करें ना तो अंदर तक पक जाता है। हाँ और अगर तेज हो तो फिर कच्चा रह जाएगा, ऊपर से ब्राउन हो जाएगा अंदर से कच्चा रहेगा। फिर यहाँ पे तो स्लो पे करना है। अच्छा लग रहा, शुक्र अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है। इसको करेंगे यहाँ खोल रहा है, इसमें पत्ती डाल दो पानी। शॉर्ट वीडियो बनाया माल पूरा, और ये माल आधा यानी चाय, ये दोनों कचोरियाँ रेडी हो रही हैं, चाय टाइम। कचोरी वाली कचोरी कितने की है ये मैडम? आपको मिलेगा 50 रुपए। अच्छा बड़ा सस्ता मिल रहा है, वही ना थोड़ी सस्ती कचोरियाँ, फिर तो सारी दे दो हमें। इतनी सस्ती कचोरी, सारी पैक कर दो भाई आप हमें, हम ले जाते हैं अपने घर। और चाय भी जल्दी जल्दी आ जाए बाहर उबल के। रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया ना बच्चा, एक सेकंड में बढ़ा दिया रेट, रेट बढ़ गया है। चलो और गई कचोरी, कचोरी वाले ने देखा रेट भी बढ़ा दिया, फैल गई है कचोरी वाली, ऐसे ही करते हैं ना। फाइनल लुक कचोरी की, कचोरी कचोरी। और ये जो कचोरी वाली है ना ये कह रही है कि 50 रुपए की, मैंने कहा वाह जी सारी पैक कर दो फिर तो, इतनी सस्ती कचोरी। हाँ खड़े खड़े बेचनी है, हाँ रेट बढ़ी है, साथ ही फैल गई कचोरी वाली, ये ज्यादा रेट कर दो, मजे की। चलो चाय रेडी हो जाए फिर हम खाते हैं मजे मजे से अपनी कचोरी को। जी लगा रहे हैं हम क्या, फेंटा, फेंटी लग रही है चाय को, इस तरह करने से ना मजे की बनती है, इतनी ऊपर से लेके आओ क्रीमी बन जाती है, क्रीमी क्रीमी बबल आने से। चाय चाय देखें जी, कचोरी और आधा नहीं नहीं सॉरी पूरा माल। और वैसे
बहुत ही मज़े का है, टेस्टी ज़बरदस्त है, मीठा भी अच्छा है। कचौरी भी मैंने टेस्ट नहीं की। ये चाय वाली भी आ गई है, चाय लेके। मेरी चाय पूरी भाजी, हाँ वो भी खाते हैं।